आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विद न्यू व्लॉग। और टाइटल देख के आपको समझ ही गया होगा कि आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो यस, फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन हम जा रहे हैं अपने पहले, मेरे खुद के पहले फर्स्ट मीटअप पे। और वो मीटअप है पुणे में। अभी सुबह के बज रहे हैं, एक सेकेंड, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे हम लोग रेडी होके सब लोग तैयार हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे और पुणे में जाएंगे। आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मीटअप, क्योंकि ये कुछ फर्स्ट फीलिंग होने वाली है। वैसे तो ऑफिशियली ये फर्स्ट मीटअप है मेरा, पहले भी मीटअप हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत अलग फीलिंग है कि फर्स्ट टाइम ऑफिशियली कुछ हो रहा है और लाइफ में बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है हमारे लिए, और मतलब हम सबके लिए। और पुणे में ये मीटअप है, आगे पता नहीं कहीं और जगह पे होंगे तो वहाँ पे भी लोगों से मिलेंगे। आज खुश इसलिए हूँ क्योंकि पुणे से बहुत ज़्यादा लगाव है, पुणे से बहुत ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, बहुत ज़्यादा फैमिली है हमारी बड़ी जो कि पुणे से है। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज पुणे जा रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। और आज हम GoPro से व्लॉग कर रहे हैं दोस्तों। लेट्स सी आगे क्या क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। फाइनली लेट्स गो। और अटायर तो अभी पूरा हुआ नहीं है, जब होगा तब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेट्स गो, मिलता हूँ नीचे जाके एज ऑलवेज कार में और फन करेंगे। फन तो होगा, ऑब्वियसली फन होगा। लेट्स गो, लेट्स फ्रीकिंग गो। तो अभी जस्ट घर पे कॉल किया था और मामा और डैड का आशीर्वाद लिया है क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है और दोनों खुश हैं, मॉम भी और डैड भी। अभी जस्ट कॉल रखा है और दिल से बहुत अलग फील हो रहा है कि यार, मतलब मॉम डैड को बताते हुए भी बहुत ऐसा दिल से अलग फील हुआ, मज़ा आ रहा है। लेट्स गो, लेट्स गो। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बट आई एम सो मच एक्साइटेड। सबसे लेट करने वाला बंदा शिवान भाई लेट उठ के सबसे आगे है अभी फिलहाल। चलो भाई लोग अभी निकल गए हैं पुणे के लिए। और कुछ टाइम में, कितने टाइम में पहुंच जाएंगे डेविल, क्या लगता है? 2 घंटा लगेगा मुझे तो लग रहा है, अभी 8:03 को निकले हैं। हम खोपोली से एक्सप्रेस वे पकड़े तो कम टाइम हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स सी बेबी। ये देखो अभी आगे जाके क्या क्या लूट होने वाला है, क्या क्या नहीं, हो कुछ नहीं पता। सामान पसारा बहुत है। ऑल द बेस्ट टू अस। Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you tell me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Need chases of plastic cops. We're just doing. जयेश भाई आ रहे लेने, जयेश भाई लेने आ रहे, अभी जाएंगे। मेरे को ऐसे काँप रहा है, मेरे पैर काँप रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि क्या हो सकता है अगर फंसे तो। जयेश भाई बोलिए। लोग नहीं है अंदर जाने? है लोग यार, क्या हुआ? नहीं ऐसे पूछ रहे, इधर ही पकड़ेंगे, फट्टी में पूछ रहे, बाकी कुछ क्यों फट रही है आपकी? लास्ट टाइम पुणे में, पता है ना? बात तो सही है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो।
वो गाइस आइडिया आ गया और ये जय भाई बारिश के मौसम एंट्री देखो एंट्री डाकू इधर से अगर लास्ट टाइम के देखे हैं तो भागने का मैं आपका टैग ले गया हाँ जी हाँ बे Tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be सब अपना अपना फोटो खींचा रहे लेकिन एक बात नहीं समझ रही मेरा व्लॉग कौन शूट करेगा बे मेरा व्लॉग कौन शूट करेगा करेंगे हम शूट करते हैं मेरा व्लॉग शूट करने के लिए लड़का चाहिए क्या बोलते हो आना चाहिए पूरा व्लॉग आना चाहिए आएगा पूरा व्लॉग आएगा अरे आएगा आएगा नहीं आएगा अरे आएगा रे तू मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा व्लॉग कौन शूट करेगा अरे ए नाना कुटर है लड़के तो मिल रहे हैं लेकिन लगता है ये सब मिल रहे हैं लेकिन हमको एक्सप्लोर करने मिलेगा या नहीं ये नहीं पता अभी जा रहे हैं देखते क्या है और क्या नहीं और उधर ही दिखाता हूँ ये देखो लड़के कर रहे हैं Get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon That I'll do what I wanna do I got a different path from everyone and that includes you अरे रुको ना ये देख दिखाओ ऑटोग्राफ दिखाओ दोस्तों ऑटोग्राफ दिया जा रहा है ऑटोग्राफ दिया जा रहा है हाँ निकल ये ब्रो अभी आगे एक्सप्लोर करते हैं जय हिंद दोस्तों बनाया बहुत प्यारा है लेकिन कुछ भी बोलो लाइट लाइट का खेल है बाहर क्या बनाया बहुत प्यारा तो ये देखो ऐसा कौन क्रिएटर रहेगा जिसके मैनेजर के साथ खिंचाए जा रहे फोटो जलवा है हमारा little change and so we're going to see the quiz on the Inspiron series the Inspiron 14 is at our Delft partner booth so please go check it out and we'll be having Devil, a quiz kya and just to let you know are you excited to meet our influencer of the day our YouTube gamer does anybody know who's coming today can I get a shout out can I get a shout out Internet Mafia yes that's right तो बिगाई ये ट्रॉफी मैं ही घर पे लेके जाऊंगा ये ट्रॉफी तो मैं ही लेके जाने वाला हूँ तो भी तो वो ट्रॉफी अपन लेके जाएंगे पीछे वाली नंबर टके एक हाथ मेरे एक हाथ में है मेरे ट्रॉफी पीछे वाली बड़ी है क्या बोलते हो दोस्तों प्रमोशन हो रहा है देखो मेरे खुद के चैनल का ओके सब्सक्राइब करो भाई सब्सक्राइब करो ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाऊँगा मैं तो आज यहाँ पे सी एस गो का चल रहा है ना सी एस गो चल बोल काय बोलतो बांधिलकीचा तर विषय आहे पण बांधिलकीच्या विषयासाठी काय आहे फोटो आपण किती वाजता काढणार आहे ठीक आहे 6 वाजता काढू हा 6 वाजता काढू काय ना काय विषय नाही तेरे फोन में अगर टक्कर लगी बस तो लफड़ा हो जाएगा तो तेरा टूट जाएगा मेरे पे प्रोटेक्शन है मेरा इंश्योरेंस है तेरा खराब हो जाएगा भाई मजा आ रहा है लड़के सब सबसे बात करने मिल रहा है ना फोटो भी तो अच्छा बात करो यही बेस्ट है फोटो निकालेंगे बूथ पे फुल मजा गर्मी हो रही है भयंकर गर्मी बहुत भयंकर हो रही है भाई ये देखो मेरे को ये खेलना था लेकिन ये लाइन इतनी बड़ी है अभी क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते अभी मैं ये खेल रहा हूँ ये ऑफिस में खेलने वाला हूँ मजा आएगा हाथ जोड़ सकता जोर नहीं काटूंगा देखना बोल
करके ना रिकॉर्डिंग लगाने को बोलो जिसमें थोड़ा होगा, नहीं तो इज्जत जाएगी। नहीं नहीं ये नहीं, इसमें कोई तो भी रिकॉर्डिंग होगी ना जिसमें बहुत अच्छा कोई तो भी खेला होगा वो लगा मेरे फालतू गिर गया, इज्जत निकल रहा है मेरी गाइस। हाँ काय मंगलसूत्र घालते अशी करू रिलोड करते। हा भाई इकडनं आलं बघ, अरे हा माझ्याकडेच मारतोय तुला। अब जो खेलने जा रहे हो आप? यार पहली बार खेलने वाला हूँ, हमारे बुटकैंप में था और मैं खेलूंगा बोल के कभी नहीं खेला है। दो महीना पढ़ के मतलब ऐसा ही था। मैंने बहुत खेला भी यार, चार्ली खेला है, मैंने खेला। देखते दोस्तों लाइट सेवर खेल रहे हैं, लाइट सेवर बरोबर है डेविल। अच्छा भाषा एक को भी नहीं लग रहा है, एक को भी नहीं लग रहा है डेविल, एक को भी नहीं लग रहा है। ये कौन सा डांस है डेविल? अरे ये डांस कौन सा डेविल? ये प्रेस करना है क्या? नहीं 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 नहीं, तो फिर वैसा हाँ आठ जोड़ डेविल। ये कौन सा डांस है? अरे अरे स्पीड में करना, स्पीड में धाप धुप। हाँ बादशाह बादशाह लग रहा है क्या? पर पता नहीं लग रहा है, लगता है एक नंबर लग रहा है। अरे भाई अरे इतनी डिफिकल्टी नॉर्मल, इतना क्यों डिफिकल्ट है? दोस्तों बहुत टाइम बाद पूरा मीट एंड ग्रीट खत्म करके हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं इस बीस्ट को। Alienware M18 लैपटॉप में आपको 32GB रैम मिलता है और इसके साथ इसमें है लेटेस्ट 13th जन इंटेल कोर i9 प्रोसेसर और RTX 4080। ये लैपटॉप से हमें अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इस Alienware M18 लैपटॉप में 250W का हाई टोटल परफॉर्मेंस पावर मिलता है जो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है। 65W का CPU पावर, 175W का GPU पावर और 10W का हेडरूम। मुझे पता है आपको इस बात पे विश्वास नहीं होता होगा, तो चलिए इस लैपटॉप को अनलॉक करके मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको तो पता है कि हेक्टिक गेमिंग सेशन में लैपटॉप की कूलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोसेसर हमें प्रोवाइड करता है Alienware एक्सक्लूसिव क्रायोटेक टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एलिमेंट 31 थर्मल इंटरफेस मटेरियल, क्वाड फैंस, 7 हीट पाइप्स और एक लार्ज वेपर चेंबर्स। तो ठंडे रहो और सिस्टम का मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। फाइनली इसके विजुअल्स पे आते हैं। Alienware M18 सपोर्ट करता है एक्सपांसिव 18-inch 16:10 डिस्प्ले विद डॉल्बी विजन 165Hz QHD प्लस डिस्प्ले, सो इसके साथ रेडी हो जाओ और विविड एंड इमर्सिव विजुअल्स जिसमें आप गेम खेलो, मूवी देखो या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करो, आपको हमेशा अमेजिंग विजुअल्स मिलेगा। लैपटॉप तो अनलॉक हो गया है, अब मैं इसके सेटिंग्स में जाके आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है।
अब आपको इसके ग्राफिक कार्ड के सेटिंग के बारे में तो कुछ पता नहीं होगा, तो मैं इसके डायरेक्ट एक्स के सेटिंग्स में जाके आपको ग्राफिक कार्ड के बारे में बताता हूँ। ये है 20 और उसकी स्पेसिफिकेशंस। इस लैपटॉप पे मैंने फीफा खेला, मॉडल कॉम्बैट खेला विदाउट एनी लैग और बहुत मजा किया। ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स एलियनवेयर और इंटेल हमें फिर से बताते हैं कि कंप्यूटिंग पे क्या कुछ पॉसिबल है। इनके इसी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज, इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी और स्टनिंग विजुअल्स है, यही उदाहरण है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का। तो ये देखो क्या चल रहा है, कापा कापी पकड़ा पकड़ी। अरे तू शेरीफ है ना, बंदूक है ना, बंदूक। अरे बंदूक है ना, बंदूक है, तू शेरीफ है। हम लोग को यहाँ पे बिठाया अभी हम लोग को, और यहाँ पे अभी फोटो सेशन होगा, सब लोग मिलने आए इस बूथ पे सब लोग से। I could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages, 5-10 years. अभी हम लोग कर रहे हैं 1v1 गाइस, मैं और डाकू। बोलते हैं बोलता हूँ, देखो बोलता हूँ, देखो कैसे बोलता ब्लॉग में।
में पहली बार जाके रख रहा था तो बहुत मान ये बताया कि चांदी को क्या है सरप्राइज हमारे जोर से ठीक है ठीक है दरवाजा कर धन्यवाद माझा कोपरो परत आला खूप बरं वाटतं माझा कोपरो परत आला आणि जस्ट 1v1 करके आए और हार के आए वो बहुत ज़्यादा बट अच्छा लगा अपने ही दोस्तों से हारने में मज़ा अच्छा लगा और ये गैंग है जिन लोग ने भी खाना नहीं खाया मैंने भी खाना नहीं खाया अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ चलो डाकू जाए खाना खा चलो खाना खाने जो नहीं तो चलते हार के फाइनली डेविल चॉकलेट खाने बैठ गया थक थक के वो चॉकलेट कड़क दी थी ना अभी नरम हो गई रहेगी डाकू क्या कर रही है उसको चैटिंग कर रही है किसके साथ तो और अभी भी जनता चालू है जा रही है सब कुछ कंटिन्यू तो भी चालू एक चीज़ करनी है हमको एक टास्क है इसके बाद शायद वो कहाँ आएगा कहाँ पे नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम देखते क्या होगा और ये देखो डांसर द बॉय और नहीं इसको और अर्जुन सर जो कर रहे ना वो कोई कर ही नहीं सकता पानी ला रहे कोई चलिए दोस्तों अपना मुकेश आणि मुकेश मला कन्फ्युजन आहे आणि हा लांबून आला खूप राईड करून स्टेज पण राईड करून आले डायरेक्ट आले आणि पुरं अजून पण इकडे बघा काय चाललंय सायन्स आपली पसाय आपली पसाय अरे यार आपको क्यों चाहिए ऑटोग्राफ अपन मिलेंगे ना नेक्स्ट इवेंट पे डाकू दोस्तों इनका किसी लड़की को लेकर डिस्कशन चल रहा है मैं उसका नाम नहीं ले सकता लेकिन अभी फाइनली हम लोग का सब कुछ हो गया है काम अभी यहाँ से निकल चुके हैं और सीधा पहुँचेंगे अभी बूट कैंप क्योंकि भूख लगी तो भूख लगी है कुछ खाएंगे रचेंगे और सीधा पहुँचेंगे बूट कैंप बाय थक गए अभी मैं सो जाऊँगा पलटी फायर